अब जान हम ये प्यार क्या है जिगर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ इस तरह का स्क्वायर साइज में एक बढ़िया सा स्टेटस वीडियो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, जिसको आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पर इंट्रो में देखा होगा। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का स्क्वायर साइज में बढ़िया सा एक स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और पूरा देखिएगा, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए और सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे जिसका नाम है एबी प्लेयर एप्लीकेशन। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, इसी का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ से इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को हम लोग कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ये जो बॉक्स जैसे आपको इस पर क्लिक करना है बॉक्स वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है लोड फ्रॉम फाइल पे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इधर से हम लोग एक विजुअलाइजर को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग इस विजुअलाइजर को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से ऐड कर लेना। और ध्यान रहे दोस्तों, विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप लोग अपने फाइल मैनेजर में जाना एक बार और वहाँ पे इस विजुअलाइजर को रीनेम करके सेव कर लेना, तभी यहाँ पे ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो एबी प्लेयर ऐप है दोस्तों न्यू वर्जन है। तो वहाँ पे जाके एक बार इसको सेव कर लेना रीनेम करके, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है आपको। सो यहाँ पे उसको सेव करने के बाद इधर से हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये लास्ट वाले बॉक्स में इधर ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स में आ गया है। तो आपको इस लास्ट वाले बॉक्स पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ से एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको ऊपर में इधर एक पेंसिल जैसा आइकन मिल जाएगा, आपको इधर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज का, आप देख सकते हैं ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है इमेज पर। इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर सेकंड नंबर पे एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके नीचे कस्टम इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। और सबसे नीचे में इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा पिक इमेज का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर से हम लोग एक इमेज को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इस इमेज का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो इमेज को ऐड करने के बाद इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से क्लोज करना है, उसके बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लर इफेक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लर इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक देख सकते हैं एक बॉक्स दिख रहा है विजिबल का, आपको इसको एनेबल कर देना है, कुछ इस तरह से टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करके बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा मोशन ब्लर इफेक्ट का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेम उसी तरह से आपको जनरल पे क्लिक करना है और इसको एनेबल कर देना है इस वाले बॉक्स को। इसको एनेबल करने के बाद इसको क्लोज करेंगे, बैक करेंगे। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे आपको दो पार्टिकल्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग दो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एक और दो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको ये फर्स्ट वाले पे नहीं, ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स मिलेगा आपको, तो ये सेकंड वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेम उसी तरीके से आपको जनरल पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे विजिबल कर देना है, कुछ इस तरह से इस बॉक्स को एनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट चैनल नेम को, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करना और यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा रहेगा यूट्यूब वीआईपी टैग चैनल, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फिर से मेरे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे मेरे चैनल का नाम रिमूव करके आप अपने चैनल का नाम या फिर अपना नाम लिख दीजिए। इसको लिखने के बाद यहाँ से डन करना है आपको, इसको क्लोज करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, उसको बैक कर देना आपको बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से बैक करके आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। इधर आने के बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में थ्री डॉट मिल जाएगा, ऊपर में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से एक सॉन्ग को ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैं एक सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ और इस सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से इस वाले सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना। सॉन्ग को यहाँ से ऐड करने के बाद फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे विजुअलाइजर पर क्लिक करेंगे। विजुअलाइजर पे क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे इधर होम स्क्रीन पे। इधर आने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर में एक एरो का निशान मिल जाएगा डाउनलोड का, तीर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, वीडियो विथ का और वीडियो हाइट का, आप देख सकते हैं। तो आपको वीडियो विथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको आपको रिमूव करके यहाँ पे लिख देना आपको 1080। ऐसे लिखने के बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो हाइट का, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जो भी लिखा है उसको रिमूव करके आपको लिख देना है 1350, ठीक है, 1350 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे। सो इसको डन करने के बाद आपको नीचे में इधर लेफ्ट साइड में एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना वीडियो आपकी गैलरी में सेव कर लेना, ठीक है। जैसे इस ऑपरेशन तक इसका प्रोसेस होगा उसके बाद आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते यार इसलिए मज़ा नहीं आता, ठीक है। अगर आप एक लाइक कर देते इससे मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है और आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ये वाला स्टेटस भी डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने बना के तैयार किया 30 सेकंड का, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं यार एक और अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।